गुड मॉर्निंग क्लास. आज हम ड्राइंग में बोट बनाएंगे. व्हाट विल वी मेक? वी विल मेक अ बोट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमको क्या करना है, स्केल, पेंसिल और इरेजर के साथ तैयार होना है, क्योंकि पहले हम बोट को ड्रॉ करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कलर इट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो करना क्या है, अपनी ड्रॉइंग कॉपी के पेज के मिडिल में हमें ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार, ठीक है. उसके बाद उसके नीचे बराबर से हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन इस प्रकार ड्रॉ करनी है. छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर, फाइन. अब नाउ व्हाट टू डू, अब हमको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से एज यू कैन सी हमें यहां से स्लैंटिंग में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और इसी के बराबर से एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ करनी है और जो हमारा रिमेनिंग एरिया है उसको हम इरेज कर देंगे इस प्रकार. ये हमने इरेज कर दिया तो ये हमारा बोट का नीचे वाला एरिया बन गया. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर का एरिया बनाते हैं. तो ऊपर के एरिया के लिए भी इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है. छोटी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर क्या करेंगे, इसको यहां से इस प्रकार टेढ़ी लाइन और सेम टू सेम यहां से ऐसे, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको हम इरेज कर देंगे. जैसे हमने नीचे ड्रॉ किया था उसी प्रकार हम ऊपर भी ड्रॉ करते हैं. अब हमको क्या करना है, यहां पर हमको 3 या 4 जितने हमारे आ जाए उतने सर्कल्स देने हैं. तो यहां पर हम देते हैं 1, 2, 3 and 4 सर्कल्स, ठीक है. अब हम यहां पर ऊपर इसकी 2 चिमनीज निकालेंगे. तो चिमनीज हमें निकालनी है थोड़ी सी टेढ़ी करके, यानी कि स्लैंटिंग में. सो नाउ लेट्स मेक इट. और सब बनानी है हमें इक्वल, 1 and 2, और इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं इस प्रकार, और नीचे भी थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं. तो ये हमारा पार्टीशन बन गया. तो ये बन गई हमारी बोट. लेकिन यहां से मुझे थोड़ा सा स्लैंट जो है वो कम लग रहा है, तो यहां पर हम बनाते हुए इसको लंबा करते हैं और जो बाकी एरिया है उसको हम इरेज कर देते हैं इस प्रकार. ये बन गई हमारी बोट. अब हम करते हैं इसको कलर. तो कलर करने के लिए बोट के नीचे वाले एरिया में हम करेंगे ब्राउन कलर, ये जो मिडिल का एरिया है उसके सर्कल्स में हम करेंगे ब्लू कलर, और बाहर करेंगे पिंक कलर, और जो दोनों चिमनीज हैं उस पर ऊपर येलो और नीचे रेड. तो चलिए शुरू करते हैं कलरिंग. सबसे पहले मैंने लिया है ब्राउन कलर. आपको पता है पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू मेक एन आउटलाइन बिफोर कलरिंग. तो इस प्रकार हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे चारों साइड, उसके बाद ही इस बोट को हम कलर करेंगे ऑन द 3 साइड्स एंड ऑन द 4th वन. ये देखिए ये हमारी बोट जो है वो आउटलाइन हो गई. अब हम इसको कलर करेंगे. आपको मालूम है ना कलर कैसे करने हैं, इन 1 डायरेक्शन. स्ट्रोक शुड बी इन 1 डायरेक्शन इस प्रकार. अगर आप ज्यादा इधर उधर चलाएंगे अपने कलर्स को तो दे विल गो मैसी. तो चलिए मैं इस बोट को कलर करती हूँ और आप लोग भी कलर करिए. ये देखिए लास्ट फ्यू स्ट्रोक्स देने के साथ ही मेरे बोट का जो नीचे वाला एरिया है वो कलर हो चुका है. अब हम लेंगे पिंक कलर. नाउ विच कलर विल बी टेक, वी विल टेक पिंक कलर एंड लाइट ब्लू कलर. हमें कौन कौन से शेड्स लेने हैं, वी हैव टू टेक पिंक कलर एंड लाइट ब्लू कलर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग पिंक एंड ब्लू कलर. तो पहले मैंने लिया पिंक कलर, इससे हम आउटलाइन कर लेते हैं. आपको पता है ना पहले किसी भी कलर को करने से पहले वी हैव टू आउटलाइन द इमेज. इस प्रकार हमने इसको ले लिया और क्या करना है, संभालते हुए सर्कल्स के अंदर ना जाए उस प्रकार हमको इसे कलर करना है. आप चाहें तो सर्कल के चारों साइड भी इस प्रकार आउटलाइन कर सकते हैं. और फिर जो रिमेनिंग एरिया हमारा बचता है उसमें हम कलर्स कर देंगे. तो आप लोग भी कलर करिए, मैं भी कलर कर रही हूं. और इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल्स में ब्लू कलर को फिल करेंगे. इट इज ऑलमोस्ट डन, फ्यू मोर स्ट्रोक्स टू गो एंड पिंक कलर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ये देखिए हमारा पिंक कलर अब कंप्लीट हो गया. नाउ आई विल टेक विच वन, यस द ब्लू कलर. कौन सा कलर लेंगे अब हम,
नाउ वी विल टेक द ब्लू कलर. तो ब्लू कलर लेकर हमने क्या किया, आउटलाइन कर दी, संभाल कर करनी है और फिर उसमें अंदर कलर फिल कर देना है लाइक दिस. इस प्रकार करते हुए हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाते हुए उसके बाद कलर्स को फिल कर देंगे. बहुत ही आराम से और बहुत ही धीमे से आपको कलर करने हैं. ये हो गए हमारे ब्लू कलर. नाउ इट्स टाइम फॉर रेड एंड येलो कलर. तो चलिए हम लेते हैं अब रेड कलर. रेड कलर हमने चिमनी के नीचे वाले पोर्शन में करने हैं और येलो कलर जो है वो चिमनी के ऊपर वाले पोर्शन में करना है. तो चलिए पहले हम येलो ले लेते हैं. तो येलो लिया हमने और इसको आउटलाइन कर दिया इस प्रकार. और छोटा एरिया है तो आउटलाइन के साथ ही ये कलर हो गया. और अब हम लेंगे रेड कलर. तो रेड कलर को हम कलर करते हैं. ये हो गया हमारा रेड कलर कंप्लीट. और यहां पर भी कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो डन. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें आउटलाइन, ब्लैक कलर की आउटलाइन. सो लेट्स डू इट. अब हम करते हैं इसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन. तो आउटलाइन आप स्केल से ही करिएगा ताकि आपकी टेढ़ी ना हो जाए. ठीक है, इस प्रकार नीचे भी, ऑन द साइड्स. मालूम है ये ब्लैक कलर ब्राउन पर दिख नहीं रहा लेकिन रिमेनिंग एरियाज पर तो दिखेगा ना. ऑन द चिमनीज और फिर स्ट्रेट लाइन. एंड ऑन द सर्कल्स. तो इसी के साथ हमारा बोट जो है वो कंप्लीट हो गई. तो आप लोग भी अपनी ड्राइंग कॉपी पर इस बोट को ड्रॉ कीजिए और कलर कीजिए. गुड बाय फॉर नाउ. ऑल द बेस्ट.